आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना हेयर ग्रोथ किया था, मुझे कितना टाइम लगा था, मैंने क्या क्या चीज़ किया था और आपको क्या क्या चीज़ करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। से वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरे भाई लोग, मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपको हो सके तो बुरा लग सकता है, आपको थोड़ा सा ख़राब लग सकता है, बट ये सच है, आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप फिनस्टाइड और मिनोक्सिडिल भी यूज़ करते हो तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में। अगर आप नेचुरल चीज़ें भी ट्राई करते हो, डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट हो गया, डीएचटी ब्लॉकर फूड हो गया, डाइट एक्सरसाइज जो भी करते हो, डर्मा रोलर वगैरह, तो आपको रिजल्ट आने में 5 से 6 महीना लग जाएगा। मुझे खुद 7 से 8 मंथ लगे थे अच्छी तरह से रिजल्ट आने में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा और आपको टाइम देना ही पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम डेली मैसेज से भरा रहता है, भाई मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ, भाई मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्या करूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले आप मेरे चैनल के वीडियोज़ को देखो, मैं आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसको आप देखो, मैं वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें ही बोलूँगा। तो पहले आप चैनल के वीडियोस को देख लो, फिर मुझसे सवाल करो तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज रहते हैं तो सबको रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है एक साथ। वैसे मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ, 100% रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा लेट होता है रिप्लाई करने में, उसके लिए सॉरी। क्योंकि और बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई अदरक पीस के लगा लूँ, कोई बोल रहा था भाई लहसुन पीस के लगा लूँ, तो उसको सब्ज़ी में डालो, मेरे भाई टेस्ट आएगा। आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ से नहीं तो आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा, नहीं आपका हेयर ग्रोथ होगा। सारे चीज़ मैटर करते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छे रहेंगे तो आपका अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे, आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छा रहना पड़ेगा। तो आपको अपने दिमाग में बस 4 पॉइंट्स को डालना है, 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला हो गया डाइट, मल्टीविटामिन, डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट, डीएचटी ब्लॉकर फूड्स, न्यूट्रिशन। आपका बॉडी में अच्छा रहेगा तो आपका बाल भी हेल्दी रहेंगे। सेकेंड हो गया आपको ब्लड सर्कुलेशन कैसे भी करके बढ़ाना है, नेल रबिंग, हेयर स्टैंड हो गया, डर्मा रोलिंग हो गया, ऑयलिंग एंड मसाज हो गया, कैसे भी करके आपको ब्लड सर्कुलेशन को आपका स्कैल्प में बढ़ाना है। थर्ड नंबर हो गया प्रॉपर हेयर केयर पे ध्यान देना है, आपको ऑयलिंग एंड मसाज, आपको शैम्पू आपको वीक में 3 दिन करके करना है। और अगर आपका स्टार्टिंग में हेयर फॉल हो रहा है तो आपको हेड सेविंग हर 15 दिन में एक बार करना है। टोटल आपको 3 बार हेड सेविंग करवाना है, उसके बाद 1.5-2 महीने बाद आप हेयर ट्रिमिंग या फिर हेयर कटिंग आपको हर 15 से 20 दिन में करवाते रहना है, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वांटिटी कम लगेगा ऑयलिंग और शैम्पू का, और आपका डर्मा रोलिंग भी अच्छी तरह से होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट हो गया मेरे भाई लोग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आप डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉपर हेयर केयर के साथ अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव आपको सोचना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक टारगेट बना लेते हैं 5 से 6 महीने को, इन सब चीज़ों को 5-6 महीने के लिए फॉलो करते हैं, तो फिर मैं भी देखता हूँ कैसे आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता, कैसे आपका बाल हेल्दी नहीं होता है और कैसे आपके बाल ग्रोथ नहीं होते हैं। बात रही रिसीडिंग हेयर लाइन के लिए, तो उसके लिए आप डर्मा रोलर ऑनियन जूस यूज़ कर सकते हो, या फिर डर्मा रोलर मिनोक्सिडिल के साथ यूज़ कर सकते हो फास्ट रिजल्ट के लिए और फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए। मैंने भी यूज़ किया था, आप भी यूज़ कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेरा हेयर फॉल स्टोरी क्या था और कैसे मैंने सब कुछ फॉलो किया था और कैसे मैंने डीएचटी को ब्लॉक किया और कैसे मैंने अपने बालों को फिर से ग्रो किया। तो मेरे भाई लोग, मेरा हेयर फॉल 2018 में स्टार्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था कि मेरा हेयर फॉल किस रीजन की वजह से हो रहा है, तो फिर मैंने नेट वगैरह में सब कुछ जगह सर्च किया तो मुझे पता चला कि मेरा हेयर फॉल जो हो रहा है डीएचटी के वजह से हो रहा है। फिर मैंने 3 से 4 महीने के अंदर सब कुछ फॉलो किया जो चीज़ मैंने आपको बताया, तो मेरा कंट्रोल हो गया था। फिर मैंने सारी चीज़ों को छोड़ दिया, और डीएचटी एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप छोड़ दोगे, जिसको अगर ब्लॉक हो गया तो आपका हेयर फॉल ठीक रहेगा, डीएचटी फिर से बढ़ेगा तो आपका फिर से हेयर फॉल होगा। क्योंकि अगर आप जिम जाते हो, सिक्स पैक एक बार बना लेते हो तो आपका ज़िंदगी भर वो सिक्स पैक नहीं रहता है, आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। वैसे ही आपका हेयर फॉल है, डीएचटी आप कंट्रोल में रहेगा तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल में रहेगा, डीएचटी बढ़ेगा तो आपका फिर से हेयर फॉल होगा। तो फिर मेरा फिर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरा 19 अगस्त को ऐसे ही कुछ को मैंने वीडियो अपलोड किया था, बट खराब ऑडियो क्वालिटी की वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मैं आगे आपको प्रूफ दूंगा, उसको दिखाऊंगा आपको। तो मैंने सब कुछ फिर से फॉलो किया तो मुझे 7 से 8 महीने लगे अच्छी तरह से रिजल्ट मिलने में, अच्छे से हेयर ग्रोथ होने में। तो आपको आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो सकता है, सो अच्छे से वीडियो को देखना और ध्यान से उसको समझना। दोस्तों, एक्चुअली मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था 8 से 9 महीना पहले, अप्रैल 2018 में। तब मेरे बहुत ही थिक बाल हुआ करते थे। दोस्तों, आप मेरे चैनल का आइकन में पिक देख सकते हैं, आप मेरे फेसबुक भी चेक कर सकते हैं। मेरे बहुत ही थिक हेयर थे, बहुत ही अच्छे हेयर थे, मेरे स्कैल्प में दिखता था मेरा इतना हेयर था, बहुत अच्छा हेयर था, बहुत अच्छा क्वालिटी था। दोस्तों, मैं उतना केयर नहीं किया, पहले मेरा धीरे धीरे हेयर फॉल हो रहा था। ऐसे ही 5-6 महीने मैंने कुछ फॉलो नहीं किया, ऐसे ही रात को 1-2 बजे सोता था, कोई प्रोटीन डाइट नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने एक चार्ट बनाया,
कौन कौन सा एक्सरसाइज करना वो मैंने किया। 3 महीने का मैंने एक टारगेट रखा और मैंने पूरे डेडिकेशन के साथ सब कुछ फॉलो किया। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, पूरा ईयर फॉल मेरा रुक गया था और पूरा बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर क्या, वो कहते हैं ना कि बुखार ठीक होने के बाद दवा कौन खाता है, वही हाल हो गया मेरे साथ। जब ठीक हो गया तो मैंने फिर से अपने पुराने रूटीन में आ गया, वैसे ही 1-2 बजे सोता था, जैसे तैसे जो खाता था वैसे ही करने लगा। फिर अब जिस 2 महीने बाद क्या हुआ, 2 महीने पहले सॉरी, कि DHT ने फिर से अटैक किया। तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं दिन भर ये सोचता था क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर मैंने क्या हुआ कि 2 महीने पहले जब मेरे प्रॉब्लम हुआ DHT आपको पता है, ये हमारा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इसको बोलते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 5-अल्फा-रिडक्टेज एंजाइम की वजह से जब कुछ परसेंट टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा हो जाता है तो DHT में कन्वर्ट होता है। ये तो दोस्तों 2 महीने पहले मेरा DHT पूरा खतरनाक अटैक सकता है, मेरा पिक देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने फिर एक अच्छा डाइट चार्ट बनाया और एक्सरसाइज को फॉलो किया, और इस बार मैंने टारगेट रखा 6 महीने का मैं पूरा अपना हेयर ग्रो करूँगा। अभी मेरा 1.5 महीना हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा हेयर थोड़ा अच्छा ग्रो, अभी भी थोड़ा सा गैप है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। पर मैं पूरा डेडिकेशन साथ एक्सरसाइज डाइट और सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को सुधार रहा हूँ। दोस्तों आपका एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन के लिए। दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, आपको 3 चीज़ जरूर सजेस्ट करेगा, फिनास्टाइड, मिनोक्सिडिल और मल्टीविटामिन। फिनास्टाइड इसलिए सजेस्ट करता है दोस्तों क्योंकि वो DHT को ब्लॉक करता है। DHT ब्लॉक करने के लिए दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ, फूड्स कौन कौन खाने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए मिनोक्सिडिल देते हैं। और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, सो ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आपको एक्सरसाइज पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं दोस्तों, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नाम, वीडियो आ जाएगा आपको मिल जाएगा। दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन बहुत करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, ओवर एंड आउट।